देखिए बने हैं ना बिल्कुल परफेक्ट पराठे। जी हाँ, सही सुना आपने, मैंने बनाए हैं आज पके हुए आम के पराठे, जिन्हें बनाना है बहुत ही आसान। और हाँ, एक अच्छी बात ये है कि इसमें पके हुए आम की खुशबू भी आ रही है। मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आम के पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 से 3 कप आटे के, इसमें लगभग 3 से 4 पराठे बनेंगे। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें काम ये करना है कि हमें सानना है आटा। देखिए, आम के पराठे बनाने के लिए हमें जो आटा लगाना है उसे हमें पानी से नहीं, जी हाँ, आम के इस पल्प से सानना है। ये देखिए, हमें थोड़ा थोड़ा से पल्प का यूज़ करके आटे को सानना है। ध्यान रखें, आटा गीला नहीं होना चाहिए। आटा तैयार है, अब हम चलेंगे इसकी स्टफिंग की ओर। मैंगो पराठा में मैंने इसकी स्टफिंग में ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को डाला है। आप अपने अनुसार किसी भी तरीके की स्टफिंग को ले सकते हैं, लेकिन स्टफिंग सूखी होनी चाहिए, गीली स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें आटे की लोई लेकर आटा लगाकर गोल बेलना है। बेलने के बाद हम पराठे को किसी की भी शेप दे सकते हैं, जैसे लच्छा पराठा, तिकोना पराठा आदि। सबसे पहले हम बनाएंगे लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें इसे एक कोने में मोड़ना है, फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना है। इसी तरीके से हमें एक लेयर तैयार कर देनी है, फिर एक कोने को अंदर की तरफ मोड़ना है। इसी तरीके से गोल फोल्ड करते हुए दूसरे कोनों को ऐसे ऊपर की तरफ मिला देना है और आटा लगाकर इसे बेलना है। पराठे को बेलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पराठे ना हमें बहुत ज़्यादा मोटे बेलने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले बेलने हैं। इसी तरीके से हमें सभी पराठों को किसी भी शेप का बना देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ऐसे मैंने एक पराठा ड्राई फ्रूट पाउडर को ऐड करके बनाया है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी डिमांड पर किसी रेसिपी को ट्राई करूं, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। अब बारी आती है पराठों को सेकने की। पराठों को तवा गर्म हो जाने के बाद हल्का सा मैंने तेल लगाकर सेका है। अगर आप क्रिस्पी पराठे खाना चाहते हैं तो घी लगाकर सेकें। इन आम के पराठों में से आम की खुशबू आ रही है। अगर आपके पराठे सेकते वक्त किसी कोने से फट जाते हैं तो आप चम्मच से उस कोने को दबा दें तो आपके पराठे फूले फूले बनेंगे। ये देखिए, पराठे कितने फूले फूले बने हैं। इसी तरीके से आपको सभी पराठों को सेकना है। फ्रेंड्स, अगर आपका आम का पराठा बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।